हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन को हिंदी में। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। सोनी टीवी के क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में कर्मवीर स्पेशल में हम कह सकते हैं कि एक नहीं बल्कि तीन कर्मवीर शामिल होने वाले हैं। वैसे तो हमेशा कर्मवीर स्पेशल में हॉट सीट पर बैठने वाले महानुभावों के साथ कोई एक्टर या मशहूर व्यक्ति साथ देते हुए नजर आता है, लेकिन इस बार जो एक्टर कर्मवीरों का साथ दे रहे हैं वो भी किसी कर्मवीर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक्टर सोनू सूद की, जो कर्मवीर पद्मश्री करीमुल हक और प्रशांत गाड़े के साथ हॉट सीट पर बैठने वाले हैं। इनका परिचय देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, भले ही दुनिया इनकी नेकी को इंसानियत का नाम दे, लेकिन हम इसे हिंदुस्तानियत का नाम देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुए पहले कर्मवीर करीमुल हक को लोग बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से पुकारते हैं। करीब 25 साल पहले एम्बुलेंस का खर्चा न उठा पाने की वजह से उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। इस घटना के बाद जब करीमुल के एक सहकर्मी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने इतिहास को खुद को दोहराने नहीं दिया। चाय के बागान में काम करने वाले हक ने जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की। इस हफ्ते कर्मवीर स्पेशल में आने वाले दूसरे गेस्ट प्रशांत गाड़े थे। इंजीनियर प्रशांत गाड़े हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, परंतु परिवार वालों ने उनका इस काम में साथ नहीं दिया। जब प्रशांत के पास एक माँ अपनी विकलांग बच्ची को लेकर आई और प्रशांत ने उस बच्ची को देखा तो वो दंग रह गए। उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे। प्रशांत ने बच्ची के लिए जब एक कंपनी से दो प्रोस्थेटिक हाथ मांगे, 24 लाख रुपए मांगे, जो मुश्किल था, परंतु प्रशांत ने हार नहीं मानी। आज केवल 25,000 में वो प्रोस्थेटिक हाथ बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आपकी कोई भी राय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे वीडियो के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।